ग्वालियर में कार लुटेरे को ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डबरा के अकबई रोड से 17 जुलाई को आर्टिका कार लूट ली थी। पुलिस ने टीम बनाकर जरासी घाटी से दो लुटेरों को पकड़ा है। वहीं एक आरोपी जंगल से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने आर्टिका कार को जब्त किया है। पकड़े गए लुटेरों से कट्टा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि लुटेरे लूट की नीयत से लूटी गई कार के साथ तीन संदिग्ध के खड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर डबरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई के बाद सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना डबरा क्षेत्र में समुदन के पास में हाईवे पर एक अर्टिगा गाड़ी लूट गई थी। दिनांक 17 तारीख को परसों रात्रि में लगभग 7:15 बजे घटना थी। इसमें जो ड्राइवर था उससे ये बात की गई कि ग्वालियर एक बर्थडे पार्टी में जाना है। तीन लोग उसमें सवार हुए। उस समुदन के पास जाकर उन्होंने बोला कि फैमिली का एक मेम्बर और लेना है, पास में बड़गीसराय गांव वहाँ चल रहा है। जैसे ही उसने हाईवे से गाड़ी नीचे उतारी, लगभग 50 मीटर की डिस्टेंस पर उन्होंने उसके ऊपर हमला बोल दिया और ड्राइवर को घायल करके उसकी गाड़ी को छीन ले गए। गाड़ी चालकों से संपर्क किया गया था तो उसमें से एक से बातचीत हुई थी, उसके आधार पर क्लू मिला और बदमाशों की पतारसी जारी। कितने लोग इसमें पूरी उसमें तीन लोग शामिल थे इस वारदात में। उनमें से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, एक अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। सामान बरामद किया। इनसे जो लूटी गई गाड़ी थी वो बरामद हो गई है। घटना प्रक्रिया कट्टा बरामद हो गया है। विवेचना में साक्ष्य के तौर पर इनकी एक शर्ट जिस पर खून लगा हुआ है वो भी बरामद। इनसे भी पूछताछ की जा रही है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। ये मूलतः थाना बागचीनी क्षेत्र मुरैना के रहने वाले। फरियादी का नाम है जो गाड़ी ड्राइवर था, कहाँ का रहने वाला है? ये डबरा का ही रोकर रहने वाला है, वो बंटी शर्मा है फरियादी।